हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल की टॉप 5 टिप्स और ट्रिक्स। तो गाइस, अगर आपको ये 5 टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस जो भी आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो गाइस, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं टूर्नामेंट कर रहा हूँ पबजी मोबाइल का ही। तो गाइस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा कि मैं किसी दिन इंस्टाग्राम में, मेरे को फॉलो कर लें, मैं आपको उसमें इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा कि मैं कब टूर्नामेंट करूंगा। तो जो लोग खेलना चाहते हैं वो टूर्नामेंट को ज्वाइन करें, जिसमें क्रू मैं अपने क्लेन में इन्वाइट करूंगा। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ, लेट्स गो। टिप नंबर 1 गाइज, इस ट्रिप में मैं बात करना है, इसलिए ट्रिक है काफ़ी अच्छी जो जॉर्जफुल में है, जॉर्जफुल नो वो इन सब के कंटेनर्स पे है। तो गाइज, अब देख सकते हैं मैं थोड़ा बहुत पहले जॉर्जफुल में उतरा हूँ, तो पहले थोड़ी बहुत लूट कर लेते हैं, जिससे हमारे आसपास जो भी एनिमीज उतरे हैं उन सबको किल कर सकें या आसपास जो भी उतरा हो। तो इसमें बेहतरीन टिप है, जब आप कंटेनर टू कंटेनर जंप कर रहे हैं, देखिए जंप करने की आवाज़ आ रही है, कंटेनर पर मैं जंप कर रहा हूँ तो पूरी नॉइस आ रही है कि ऐसे करके जंप कर रहा हूँ, हो सकता है आवाज़ मतलब मेरी रिएक्शन टाइम और वो ऑडियो टाइम साथ ना हो तो मैनेज करना। गाइस देखना, अब देखिए मैं अगर नॉर्मल जंप कर रहा था तो मेरे पैरों की जंप करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अगर मैं ऐसे जंप नीचे लैंड होते समय गुट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जंप की आवाज़ नहीं आ रही है, कंटेनर्स पर चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ग्लिच हो गया था, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। गाइस आप देख सकते हैं, जैसे आप ट्राई करके देखें जरूर, जोरफुल नो में टिप काम कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें आवाज़ ही नहीं आती। अगर आप किसी कंटेनर से कंटेनर टू कंटेनर पर जाते हैं ऐसे पंच मारते हुए तो बिल्कुल भी प्लेयर की आवाज़ नहीं आती है। तो गाइस, ये टिप अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिप नंबर 2 गाइस, ये टिप है, गटका के पास बिल्डिंग है काफ़ी सारी, मतलब 3-4 बिल्डिंग है, देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, ये नाला सा एक सीधा नाला, एक टीढ़ा नाला। तो गाइस, इसके पास ये ट्रिप है, साइड में एक वो है, क्या कहते हैं, खंबा था, उस पर चढ़ के दिखाऊंगा मैं। पहले इस बिल्डिंग में आए, इस बिल्डिंग की बालकनी से आके दूसरे घर की साइड वाले घर की छत पर कूद जाएँ, और फिर यहाँ से जंप करके इस वाले यहाँ पर आ जाएँ, और जो सामने वाटर टैंक है इस पर जंप करें ऐसे करके, बूम। गाइस आप इस टिप को काफ़ी इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं आसपास में जोन बनता है यहीं पर आसपास में जोन बनता है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ से अपनी बग्गी को फोड़ कर दिखाऊंगा कि आप अपनी यहाँ से बैठे हुए कैसे मार सकते हैं। यहाँ मैं देख सकते हैं, मैं यहाँ गिरूँगा नहीं, मैंने अपडेट से पहले जब सीज़न 10 आया था उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो गाइस देख सकते हैं, मैं अपना भागते भागते इमोट भी इस्तेमाल करूँगा, अभी देखना ये भागते इमोट भी इस्तेमाल करूँगा ये। और गाइस, इस टिप को इस्तेमाल करके आप उस पर चढ़ सकते हैं, अगर आपको टिप अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 3 गाइस, ये एक बेहतरीन टिप लगी मेरे को काफ़ी मेरे हिसाब से। तो गाइस, मैं बताऊंगा कि फ्यूल कैन जो है, हमारी फ्यूल कैन वो किसी भी गन की कितनी गोलियों के बाद फट सकती है। तो जैसे मैं यहाँ पहले UMP 9 को इस्तेमाल कर दिखा रहा हूँ कि UMP 9 की कितनी बुलेट्स में फट रही है ये हमारी फ्यूल कैन जो है। तो गाइस, अभी मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा कि कौन सी देखिए फट चुकी है, मैं भी आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा कि कितनी फ्यूल कैन पे मतलब कितनी एमओ उस पे गोली पे वेस्ट हुई। आप देख सकते हैं चार्ट, आप एक बार पढ़ के वीडियो को पॉज करके, या फिर अभी तो मैंने काफ़ी जितने चार्ट दिखाया आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी ओम के लिए 2 हैं, ग्रोजा के लिए 3, M24 के लिए 3, K98 3, MK14 4, M416 5, ये सब AR वगैरह सब 5 हैं, बाकी उजी वगैरह 9 हैं। तो गाइस, काफ़ी सही टिप है ये कि आप इतनी मतलब ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कैंपिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैंप करके बैठ गए जी, इतनी गोली मार दी, लास्ट एक बुलेट नहीं मारी, लास्ट एक बुलेट जब मारेंगे जब बंदा आ जाएगा, जैसे ही बंदा ऊपर आ रहा है स्टेयर से चढ़ के ऊपर आ रहा है, एक लास्ट बुलेट और मार दो बस, फ्यूल कैन ब्रश। तो गाइस, अगर टिप अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 4 गाइस, सबसे बेहतरीन ट्रिप है, इसमें BRDM जो है हमारा, जो नॉर्मल एरेंगल वगैरह मैप में अगर आप जोन से बाहर हैं, फ्लेयर गन फायर करें तो आता है, या फिर पेलोड मोड में तो आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा ही। तो गाइस, मैं इसमें बताऊंगा कि हमारा जो BRDM है वो नॉर्मल गन्स की हमारे जो हम यूज़ करते हैं काफ़ी M416 AKM ये वगैरह वगैरह इन सब कितनी एमओ में फट सकता है। तो गाइस, अभी चार्ट दिखाऊंगा, ये चार्ट में आप नोट कर सकते हैं, M762 79, DP76, AKM76 ऐसे फट सकता है। अभी मैं आपको फाड़ के भी दिखाऊंगा, पूरा ये ख़त्म कर दूंगा, 40 बुलेट्स मैंने पहले खर्च करी, पूरी की पूरी 40 मैंने मार दी है इसके BRDM के अंदर, अभी बाकी थी और देखते हैं कितनी बची थी, जो मैं फट गया था, ये पूरी 4-5 ही बची थी, काफ़ी मतलब मान सकते हैं कि 88 ही लगी हैं, 88 लगेंगी सारी की सारी, उसके इंजन पर मारी है तो इसलिए जल्दी ब्लास्ट हो गया, वरना नॉर्मली होता नहीं है। तो
अगर ये टिप अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 5 गाइस, ये एक टिप है बड़ी बढ़िया जो लगती है मेरे को, जैसे कि आप किसी भी जगह पर जंप कर चल रहे हैं तो उसको कैंसिल कैसे करें। जैसे सपोज करना इस बाउंड्री के बगल में बंदा है, मैंने देखा नहीं और मैं एकदम अचानक से चढ़ गया जंप करा, अगर आप कर्सर को पीछे ले लेंगे तो आपकी जंप कैंसिल हो जाएगी। आप तो अगर जंप कर रहे होंगे तो आपकी जंप कैंसिल हो जाएगी। ये काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को नहीं पता ये मैंने उनके लिए बनाया है। हाँ भाई, जरूर बनाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं बार बार चढ़कर दिखा रहा हूँ कि आपको आप कैसे चढ़ सकते हैं सब चीज़ जगहों पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो गुड बाय। तो गाइस कुछ बंदों ने मेरे से कहा था कि मेरे को शाउट आउट देना नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उन AF गेमिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना जाकर